हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इन टुडे सेशन में आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, उसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडे सेशन में आप सभी के साथ रिसर्च मेथडोलॉजी के काफ़ी सारे PYQs डिस्कस करने वाली हूँ ऑफ द ईयर 2022 एट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस सेशन में हम काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जितने भी सारे PYQs है वो देखेंगे। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आई मीन टू से कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देन काफ़ी सारे देखो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनके रिगार्डिंग जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको PYQs के थ्रू पूछे गए थे इन 2022 ईयर्स, वो मैं आज सभी के साथ आपके साथ डिस्कस करी हूँ। सो दैट्स वाई ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डिस्कस किए हैं बाय यूजिंग MCQs। एंड देखो, ये तो PYQs है, दैट्स वाई PYQs भी काफ़ी टाइम रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। दैट्स वाई ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे PYQs यू नो सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो बाय यू नो वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन 28 अगस्त, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर 50% क्वेश्चन पूछ जाएंगे एंड कंसर्न सब्जेक्ट के लिए आपको 50% क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सो आप सभी को देखो 50% मार्क्स तो स्कोर करने ही है, तभी आप PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को गारंटेड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज करंटली अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs, दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699, जिन फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो यहाँ पे ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है, बिकॉज इनके ऊपर आपको रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एट PhD एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो दिस रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स इज नथिंग बट अ रिसर्च मेथडोलॉजी रिविजन पैकेज, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथडोलॉजी को काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके काफ़ी सारे यू नो अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन। फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, द रेशो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:48, द सैम्पल साइज एन विल बी। नाउ यहाँ पे आपको बताया गया है कि लार्ज पॉपुलेशन है आपके पास, एंड जिसमें स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो है 8:48, एंड आपको यहाँ पे सैम्पल साइज दैट इज एन उसे पूछा गया है, मतलब आपको यहाँ पे सैम्पल साइज को कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे जो रेशो आपको बताया गया है बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:48, सो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एरर ये 8:48 टाइम्स है टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अगर आपको स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है, देन उसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ओके,
सो देखो स्टैंडर्ड एरर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दी गई है विच इज 8:48. सो इसका मतलब ये होगा 8/48 इज इक्वल टू 1/√n. सो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो देन आपको n की वैल्यू मिलेगी 36. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस 48, 36, 8, 18. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 2, दैट इज 36. ओके. The variance of Mann-Whitney statistics used to test for identity of two distributions based on independent samples of sizes 20 and 27 respectively is. Now, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने Mann-Whitney statistics का इस्तेमाल करके दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को क्या किया है, कंपेयर किया है, जिनके साइजेस है 20 and 27. सो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन आपको इसका वेरियांस फाइंड आउट करना है. ओके. सो वेदर इट इज 280, 5300, 2160, 875. सो स्टूडेंट्स, ये जो Mann-Whitney टेस्ट है दिस इज नथिंग बट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम टी टेस्ट को नहीं कर पाते हैं. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अजम्पशन आप टी टेस्ट के लिए नहीं लगा पा रहे हो या फिर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, सो इन दैट सिचुएशन यू विल डू Mann-Whitney स्टैटिस्टिकल टेस्ट जिसके थ्रू आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर कर सकते हो. एंड यहाँ पे आपको सैंपल साइज भी दी गई है 20 and 27. सो Mann-Whitney यू टेस्ट इसे कहा जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय यू. सो इसके लिए अगर आपको वेरियांस को कैलकुलेट करना है देन उसे डिनोट किया जाता है VAR अंडर ब्रैकेट यू से. सो जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू n1 into n2 into under bracket n1 plus n2 plus 1. ओके. इन सबको ब्रैकेट करो एंड डिवाइडेड बाय 12. ओके. ये इसका फॉर्मूला है. n1 का मतलब होता है कि सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 का मतलब होता है सैंपल साइज ऑफ सेकेंड ग्रुप. सो यहाँ पे n1 एंड n2 है 20 and 27. सो जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ दिस. ओके. सो इसे पुट अप करने के बाद जैसे ही आप इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 2160. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेरियांस की वैल्यू आपको मिलेगी विच इज इक्वल टू वॉट 2160, विच इज ऑप्शन 3. सो ये आपका सही आंसर आएगा विच इज वॉट 2160. सो स्टूडेंट्स, हम सभी को पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से आप सारे स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो. यहाँ पे स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हम सभी को सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन यानी कि पेपर 2 की स्टडी मटेरियल की फीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी मटेरियल है अबाउट पेपर 2 ये आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएगा ही एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट एंड एज वेल आप इंटरव्यू सेशन को भी इसके थ्रू क्वालिफाई कर पाते हो बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको एग्जामिनर्स काफ़ी सारे देखो क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग योर कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक एंड सब्जेक्ट. ओके. इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 गिवन दैट एवरी पेयर वाइज सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज r. ओके. What is the partial correlation coefficient R 12.3 equal to? Now, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास 3 variables है जिनका नाम है x1, x2 and x3. Okay? So, अगर pairwise simple correlation coefficient है जिसे R से denote किया जाता है then with these 3 variables जो partial correlation coefficient है which is denoted by R 12.3
वो एक्चुअली किसके साथ इक्वल होता है, मतलब वो आर के साथ सेम है या फिर वन अपॉन आर प्लस वन या फिर आर अपॉन आर प्लस वन या फिर आर अपॉन आर माइनस वन, वन अपॉन आर माइनस वन. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. सो जो पेयर वाइज सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसे आर से डिनोट किया जाता है. एंड फॉर एग्जांपल थ्री वेरिएबल्स है आपके पास. ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल. अगर आप पार्शियल कोरिलेशन के बारे में जानना चाहते हो देन इफ देर इज पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल वन एंड टू, एक्स वन एंड एक्स टू, देन उसे डिनोट किया जाता है आर वन टू से. ओके, अगर एक्स टू एंड एक्स थ्री के बीच में रिलेशनशिप है देन उसे डिनोट किया जाता है आर टू थ्री से. अगर x1 एंड x3 के बीच में रिलेशनशिप है देन उसे डिनोट किया जाता है r13 से. ओके, एंड अगर आपको r12.3 के लिए अगर इक्वेशन को देखना है देन विच इज इक्वल टू r12.3 इज इक्वल टू r12 माइनस r13 इंटू r23. ओके, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर थ्री स्क्वेयर इंटू 1 माइनस आर टू आर वन थ्री स्क्वेयर, 1 माइनस आर टू थ्री स्क्वेयर. ओके, सो ये आपको इक्वेशन मिलेगा. सो यहाँ पे आर वन टू पॉइंट थ्री जो है विच इज नथिंग बट वॉट पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये इन तीनों वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है. नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट अगर आप पेयर वाइज सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखोगे और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखोगे विच इज बेसिकली डिनोटेड डिनोटेड बाय व्हाट आर. सो यहाँ पे आपको सिर्फ आर वन टू आर वन थ्री की जगह पे आर वैल्यू को पुटअप करना है बिकॉज आर वन टू यानी कि वॉट रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल, राइट. सो यहाँ पे पेयर वाइज रिलेशनशिप है, आर यू गेटिंग, मतलब दो ही वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है. सो यहाँ पे आप ऑब्वियसली आर की वैल्यू पुटअप कर ही सकते हो. सो यहाँ पे देखो आर की वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा, ओके, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस विल बी लाइक दिस. ओके ओके, एंड जब भी आप इसे सॉल्व करोगे देन आपको मिलेगा आर अपॉन आर प्लस वन. ओके, सो दिस शुड बी योर आंसर, दैट्स वाई ही योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन थ्री, दैट इज आर अपॉन आर प्लस वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स देखो, मीन एंड वेरियंस ऑफ काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सेम, सम ऑफ टू काई स्क्वेयर वेरिएट्स इज ऑल्सो अ काई स्क्वेयर वेरिएट. ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. नाउ इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट्स गलत है. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि काई स्क्वेयर टेस्ट होता क्या है. काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके थ्रू आप काई स्क्वेयर टेस्ट करते हो. सो काई स्क्वेयर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है जिसमें आप देख सकते हो कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती है एंड जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. एंड इफ यू सी मीन ऑफ द काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये बेसिकली इक्वल होता है टू इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो मीन इज इक्वल टू वॉट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एंड जो वेरियंस होता है काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन का विच इज इक्वल टू टू टाइम्स इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो वेरियंस इज इक्वल टू वॉट टू टाइम्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो इफ यू सी देखो मीन की वैल्यू तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी ही है, वेरियंस की वैल्यू दो टाइम्स है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के. सो इसका मतलब ये है कि मीन एंड वेरियंस ये दोनों भी इक्वल नहीं है. सो पहला स्टेटमेंट तो सही आएगा. ओके, नाउ इफ यू सी हियर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वेयर वेरिएट्स, ये भी एक काई स्क्वेयर वेरिएट ही होता है विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ इट्स एडिटिव कंपोनेंट्स. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप दो काई स्क्वेयर वेरिएबल्स को या फिर काई स्क्वेयर वेरिएट्स को ऐड करते हो देन ऑब्वियसली ये भी एक काई स्क्वेयर वेरिएट ही बनेगा. सो काई स्क्वेयर वेरिएट के जितने भी सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओके,
ये बेसिकली सभी को ऐड करने के बाद आपको जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेगी ये आपको यहाँ पे नजर आएगी, जितने भी सारे काई स्क्वायर वेरिएट्स को आप ऐड करोगे वैसे ही. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑप्शन भी सही है. सो दैट्स वाई नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. सो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा विच इज नथिंग बट ऑप्शन थ्री, दैट इज बोथ वन एंड टू, बिकॉज दोनों भी स्टेटमेंट सही है. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 18 फ्रॉम अ बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी 0.8. द वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक यूज टू टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज. नाउ यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो है 0.8 ऑफ बायवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन, जहाँ पे सैंपल साइज है 18 एंड आपने यहाँ पे टी टेस्ट को किया है ताकि आप सिग्निफिकेंस जो है पॉपुलेशन का वो जान सके. ओके, सो उसमें जो टी स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आपको मिली है वो क्या है ये आपको पूछा है. 7.25, 5.33, 2.90, 8.44. सो स्टूडेंट्स, जो टी स्टैटिस्टिक है दिस इज नथिंग बट टी टेस्ट, जो एक पैरामेट्रिक टेस्ट होती है जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में टेस्ट कर सकते हो. ओके, सो इसके लिए जो फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट एन माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर, जहां पे आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड एन का मतलब होता है सैंपल साइज. नाउ पुट अप द वैल्यूज. आर की वैल्यू है 0.8 क्रॉस अंडर रूट, एन की वैल्यू है 18 माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस 0.8 स्क्वायर. ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 5.33. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. दैट्स वाई हियर आंसर टू और ऑप्शन टू, दैट इज 5.33 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज 15, then the mean deviation of y is equal to 2x plus 3 about its mean is. Now, आपको दिया है कि एक random variable है जिसे x denote किया जाता है. So, उस random variable का जो mean deviation है about its mean, उसकी value है 15. अगर आपने दूसरा random variable define किया है जिसका नाम है y, जो है 2x plus 3. Okay, so उसके mean deviation की value कितनी होगी about its mean? 18, 22.5, then 29.4 या फिर 30. So now students, देखो पूरे डेटा सेट में अगर आप सभी वैल्यूज को अगर एक ही कॉमन कॉन्स्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, देन ऑब्वियसली इट मल्टीप्लाई मीन डेविएशन अबाउट मीन बाय दैट सेम कॉमन फैक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वेरिएबल है x, ओके, एंड y वेरिएबल है, बट y वेरिएबल का डेफिनेशन है 2x plus 3, यानी कि यहाँ पे आपने x वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई किया है. सो इसका मतलब ये है कि उसके मीन डेविएशन अबाउट मीन के वैल्यू को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू है 15, बट अगर आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 30. सो इन दिस केस योर मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीन वो मिलेगा आपको व्हाट, 30. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, ए इज 50, बी इज 60, ए बी इज 40 एंड एन इज 100, देन आपको दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं ए एंड बी, जहां पे आपको ए एट्रीब्यूट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू दी है, बी एट्रीब्यूट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू दी है. ए एंड बी एट्रीब्यूट्स जब भी आप एक साथ लेते हो देन उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू दी है एंड जो टोटल सैंपल साइज है उसकी भी वैल्यू दी है, देन इन दिस सिचुएशन ए एंड बी कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, मतलब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है या फिर पॉजिटिवली एसोसिएट करते हैं या फिर निगेटिव एसोसिएट करते हैं या फिर नथिंग कैन बी सेड अबाउट एसोसिएशन विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स देखो,
यहाँ पे ये दोनों भी एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, राइट, बिकॉज ए एट्रीब्यूट के एलिमेंट्स है 50, बी एट्रीब्यूट के एलिमेंट्स है 60, मतलब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है. ओके, देन वी वुड एक्सपेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ बोथ एट्रीब्यूट्स बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन. ओके, मतलब जब भी आप दोनों भी एट्रीब्यूट्स को एक साथ देखोगे देन उसके लिए ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी अपॉन एन. सो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट आउट करनी है जो कि है, ओके, सो आपको ये वैल्यू मिलेगी 30. बट हियर आपको यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अगर आप एक साथ रखोगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे 40 है, सो 40 इज मोर देन 30. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन है दोनों के बीच में. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रखोगे देन दोनों की वैल्यूज भी है वो एक दूसरे के साथ इंक्रीज हो जाएगी. मतलब अगर आप ए की वैल्यू इंक्रीज करोगे देन उसके साथ बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, विच इज ऑप्शन 2. ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपको कोरिलेशन के बारे में पूछा है. थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट स्टिल यू कैन सॉल्व इट, काफी इजी क्वेश्चन है. इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैंपलिंग एरर. जब भी आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हो देन उसकी वजह से सैंपलिंग एरर में क्या इफेक्ट होता है. इट इंक्रीजेस द सैंपलिंग एरर, इट रिड्यूसेस द सैंपलिंग एरर, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर रिड्यूसेस फॉर एन लेस देन 30 बट इंक्रीजेस फॉर ग्रेटर देन 30, मतलब एन ग्रेटर देन 30. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी सैंपलिंग एरर होता क्या है. सैंपलिंग एरर अगर आपको काउंट करना है देन उसके लिए आपको पॉपुलेशन पैरामीटर से, ओके, पॉपुलेशन पैरामीटर से आपको सैंपल पैरामीटर को क्या करना है, माइनस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब द एस्टिमेट दैट यू टुक बेस्ड ऑन द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ओके, उसको आपको पॉपुलेशन पैरामीटर से माइनस करना है. सो इसे माइनस करने के बाद आपको सैंपलिंग एरर की वैल्यू मिलेगी. सो लार्जर सैंपल्स टेंड टू हैव लेस वेरिएबिलिटी एंड आर मोर लाइकली टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. सो जितना आप ज्यादा लार्जर सैंपल साइज लोगे देन ऑब्वियसली उतने ही उसमें वेरिएबिलिटी कम दिखेगी एंड उतना ही वो ज्यादा टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ओके, एंड उतना ही ज्यादा वो मोस्ट एक्यूरेटली टारगेट पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करेगा. सो इसकी वजह से क्या होगा, सैम्पलिंग एरर भी कम होती जाएगी. ओके, That's why students here your correct answer should be what? 2, that is it reduces the sampling error. Sampling error तो मैंने आपको समझा दिया which is what? Okay, so जितना ही sample size आप ज्यादा लोगे उतना ही उनके बीच में accuracy ज्यादा रहेगी regarding the characteristics of the population. That's why population parameter and sample size और expected sample parameter इनके बीच का difference भी उतना ही कम होता जाएगा और mostly it कम्स टू जीरो और टेंड्स टू जीरो. सो उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप नहीं है. कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. नाउ स्टूडेंट्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिकली आप नॉन रैंडमली सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो जो कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं करते हो. सो यहाँ पे इफ यू सी ऑल ऑफ द ऑप्शंस देन कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग ये तीनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है बिकॉज इन तीनों में भी आप नॉन रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. बट इफ यू सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिकॉज जिसमें आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4 बिकॉज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप नहीं है. दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिक एंड द पैरामीटर इज कॉल्ड. नाउ ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं. नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एरर रैंडम.
सो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली क्या है? स्टैटिस्टिक ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम सैंपल से निकालते हैं, ओके? एंड पैरामीटर ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो आप पॉपुलेशन से निकालते हो, मतलब पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस कैरेक्टरिस्टिक की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बेसिकली नथिंग बट व्हाट पैरामीटर। एंड स्टैटिस्टिक यानी कि जो वैल्यू आपको सैंपल के डेटा के थ्रू मिलती है, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टैटिस्टिक। सो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट अ सैंपल एस्टिमेट और सैंपल पैरामीटर, एंड पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विच इज नथिंग बट व्हाट पैरामीटर। सो पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, इन दोनों के भी जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर, जो कि हमने आज ही के अभी सेशन में देखा ना, पिछले कुछ क्वेश्चन में, राइट? सो दिस इज व्हाट, ओके? सो सैम्पलिंग एरर इज नथिंग बट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक विच इज यूज टू एस्टिमेट इट, ओके? ये आती है बिकॉज सैंपल इज ओनली सबसेट ऑफ पॉपुलेशन एंड मे नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एज होल। ये जो सैम्पलिंग एरर है ये आती है बिकॉज सैंपल को तो हम पॉपुलेशन में से ही लेते हैं, सो कभी कभी सैंपल ये पॉपुलेशन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, सो वो पूरा कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है एंड उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर आती है, ओके? एंड दैट्स व्हाई हमने देखा कि अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे देन ऑब्वियसली सैम्पलिंग एरर जो है वो आपकी कम होती जाएगी, ओके? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन दिस सेशन, बट अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके?